गाइस, आई एम वर्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एजियो से। सो हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एजियो का विंटर वियर कलेक्शन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। एंड अंडर 600 रुपीज़ में मैंने यहाँ पे विंटर वियर कुर्तीस परचेस की है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड गाइस, सब्सक्राइब बटन की साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूले। उससे क्या होगा कि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप वीडियो जल्दी ही देख पाएंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितने भी कुर्तीस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो सारे कुर्तीस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी, ओनली एक ही लिंक मेंशन होंगी एंड उस पर आप टच करके मेरे विंटर वियर कुर्ते के कलेक्शन में जा सकते हो। एंड वहाँ पे जितने भी कुर्तीस रहेंगे जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी उस पर टच करके आप एजियो ऐप में जा सकते हो एंड वहाँ से कुर्तीस परचेस कर सकते हो। सो चलिए, ये फर्स्ट कुर्ता जो कि नेवी ब्लू कलर में है, आप देख सकते हो इस तरह का ये कुर्ता है। एंड इसे मैंने एस साइज में लिया हुआ है, अवासा ब्रांड से कुर्ता है, एस साइज में लिया हुआ है। एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 1799 रुपीज, बट मैंने इसे 600 के आसपास लिया है। किस प्राइस में लिया है मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। बट गाइज, ये जो कुर्ता है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है, वियर करने पर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप साइड में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कुर्ता। इसका जो प्रिंट है काफी ब्यूटीफुल प्रिंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऑल ओवर कुर्ते में जो है पूरा फ्लोरल प्रिंट हमें मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्रिंट है। इसकी जो स्लीव्स है लॉन्ग स्लीव्स मिलती है हमें इस तरह से, पूरा प्लेन स्लीव्स आएगा। एंड जो इसका जो नेक डिज़ाइन है ये नॉच नेक डिज़ाइन है, आप देख सकते हो इस तरह का नॉच नेक डिज़ाइन है यहाँ पे। एंड इसका जो मटेरियल है काफ़ी थिक मटेरियल है, बहुत ही मतलब अच्छी खासी ठंडी भी चल जाएगा। बहुत ये जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल है, बहुत अच्छा वार्म मटेरियल है इसका, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है एंड मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, एक्रेलिक मटेरियल है, काफ़ी थिक मटेरियल है। एंड इसका जो प्रिंट है मुझे काफ़ी पसंद आया। फ्रंट साइड से ये जो कुर्ता है पूरा प्रिंटेड कुर्ता है एंड बैक साइड से जो है पूरा प्लेन कुर्ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। एंड गाइज, इसकी जो फिटिंग आई है मुझे बहुत ही बेस्ट फिटिंग आई है। टाइम पार्ट में आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिटिंग आई है, काफ़ी पसंद आया है मुझे ये कुर्ता। गाइस, अभी वाली जो सर्दी है उसमें ये कुर्ता जो है चल जाएगा। अभी जो सर्दी है बहुत ज़्यादा भी नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है, मीडियम टाइप की सर्दी है, तो उसमें जो है ये बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। काफ़ी कम्फर्टेबल कुर्ता है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, ये एक स्ट्रेट कुर्ता है एंड यहाँ पर हमें जो है इस तरह से स्लिट लगी हुई मिलती है। तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ये कुर्ता। तो आपको ये कुर्ता कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड चलिए मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ती की ओर। तो गाइस, ये है मेरा सेकंड कुर्ता जो कि वाइन कलर में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वाइन कलर में कुर्ता है। एंड इसे मैंने स्मॉल साइज में लिया हुआ है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है 1499 रुपीज है, बट मैंने इसे अंडर 600 में लिया हुआ है। किस प्राइस में लिया हुआ है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पर। एंड ये भी जो है अवासा ब्रांड से है। इसमें हमें जो है राउंड नेक मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो राउंड नेक मिल जाता है। इसमें भी जो है लॉन्ग स्लीव दी गई है इस तरह से। कुर्ते की लेंथ काफ लेंथ आती है, जो फर्स्ट वाला कुर्ता था उसकी भी जो लेंथ है काफ लेंथ है। एंड ये भी जो कुर्ता है काफ लेंथ है। एंड इसमें जो है पूरा ज्योमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न वाले जो कुर्ते होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एंड बॉटम में जो है इस तरह का यहाँ पर प्रिंट बना हुआ है। सो ये जो बॉटम का प्रिंट है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है एक्रेलिक मटेरियल है, बट गाइस इसमें जो मुझे एक बात लगी है थोड़ा थिन काइंड ऑफ है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। जो थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी रहती है, हल्की फुल्की ठंड रहती है, उसमें काम आ जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडी में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है थिन काइंड ऑफ मटेरियल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। जो फ्रंट वाला कुर्ता था उसका जो मटेरियल था बहुत सॉफ्ट था एंड थिक मटेरियल था। वो जो था वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ठंड भी रही तो भी काम आ जाता, बट ये बहुत ज़्यादा ठंड में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, थिन काइंड ऑफ मटेरियल है इसका। सो बट लुक वाइज बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये भी। एंड इसकी भी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आई है, थोड़ा हल्का सा मुझे लूज आया है। आई थिंक ये मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में थोड़ा ठीक आता। जो इसका प्रिंट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा, वियर करने पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। बट इसका जैसे जो है मुझे मटेरियल पसंद नहीं आया, मटेरियल जो है काफ़ी थीन है, सो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। चलिए मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ती की ओर।
सो गाइस ये है मेरा थर्ड कुर्ता जो कि है अवासा ब्रांड से। इसका एक्चुअल प्राइस 1299 रुपीस है बट मैंने इसे अंडर 500 रुपीस में लिया हुआ है। सो ब्लू कलर का ये कुर्ता है एंड ये जो है इसका भी जो मटेरियल है एक्रेलिक मटेरियल है, वुवन कुर्ता है ये, काफ़ी अच्छा है। इस पर जो है यहाँ पे पूरा प्रिंट पैटर्न दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का बांधनी प्रिंट वाला जो पैटर्न है वो दिया गया है इसमें। ये जो प्रिंट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। एंड इसका भी जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा मटेरियल है, जो इससे पहले वाला जो मैंने कुर्ता आप लोगों के साथ में शेयर किया था उसका जो था थीन मटेरियल था, बट इसका थीन मटेरियल नहीं है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, अच्छी खासी ठंड में ये चल जाएगा। एंड इसमें भी हमें लॉन्ग स्लीव्स मिलती है, स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है। इसमें जो है ओनली फ्रंट में इस तरह का वुवन वाला डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो बांधनी प्रिंट वाला पैटर्न, बट बैक साइड में जो है पूरा प्लेन कुर्ता है। एंड ये भी जो डिज़ाइन है ओनली योग पार्ट में दी गई है, बाकी जो कुर्ता है पूरा प्लेन है। इसे मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया था, इसीलिए जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग का आ रहा है। जब मैंने इसे लिया था तो स्मॉल साइज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, बट मुझे अच्छी खासी डील में मिल रहा था ये अंडर 500 रुपीस में, इसलिए मैंने इसे ले लिया था। इफ़ अगर वहाँ पे साइज़ अवेलेबल है तो मैं इसे डेफिनेटली एक्सचेंज कराऊंगी एंड स्मॉल साइज में लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी फिटेड आया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा मुझे फिटिंग का हो रहा है, बट लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा आया है। सो ये है एक स्ट्रेट कुर्ता एंड यहाँ पे भी हमें स्लिट मिल जाती है, काफ़ी अच्छा वार्म कुर्ता है ये, जैसे कि आप देख सकते हो इसका मटेरियल है बिल्कुल भी थिन मटेरियल नहीं है, अच्छा खासा थिक मटेरियल है। सो बहुत अच्छी ठंडी में ये चलने वाला है, तो मुझे ये भी जो है काफ़ी पसंद आया है। इसका भी जो मटेरियल है एक्रेलिक मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। इसका डिज़ाइन इसका प्रिंट काफ़ी स्मार्ट लगा मुझे एंड अच्छी खासी डील में एजियो पे हमें वुवन के कुर्ते मिल रहे हैं, विंटर वियर कुर्ते मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि विंटर वियर कुर्ते जो होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट एजियो पे हमें ये अच्छी खासी अफोर्डेबल डील में मिल रहा है। सो मुझे ये भी जो कुर्ता है बहुत पसंद आया। वैसे विंटर वियर कुर्तों के साथ मैंने यहाँ पे एक स्कार्फ भी मंगाया हुआ है जो कि विस्कोस मटेरियल में है एंड काफ़ी अच्छा वार्म मटेरियल है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छी डील में मिला है। इसे मैंने 67 रुपीस में लिया है, आपको यकीन नहीं आएगा कि 67 रुपीस मैंने इतना अच्छा स्कार्फ लिया है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्योंकि बहुत लोग जो है उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि इतने कम प्राइस मुझे कैसा मिला, इसलिए मैंने जो जो चीज़ जिस जिस प्राइस में यहाँ परचेस किया है मैं सारी की सारी स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी। एंड गाइस ये जो स्कार्फ है काफ़ी वार्म है, वाइट कलर में है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कार्फ है। इसके बॉटम में इस तरह का यहाँ पे हमें ये फ्रिंजेस भी मिल जाती है, जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पे। सो ये भी जो है काफ़ी स्मार्ट लग रही है एंड इसे जब मैंने वियर किया हुआ था उस वोन कुर्ती के साथ में, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है एंड विंटर में तो इस तरह की स्कार्फ चाहिए ही चाहिए। सो ये भी पसंद आ रहा हो तो आप जा सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल है इसका एंड काफ़ी अच्छा वार्म मटेरियल है। सो मुझे काफ़ी पसंद आया है, बाकी सारे प्रोडक्ट में मुझे सबसे फर्स्ट ये जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया है। सो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।